हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपना 2024 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है दोस्तों, वो जारी कर दिया गया है। वीडियो में आपको बताऊंगा किस पोस्ट के लिए कब आपका एग्ज़ाम है, जो 2024 के अंदर आपके एग्ज़ाम होंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये कल का नोटिस है दोस्तों, कल 13 फरवरी 2024 को जो है ना जारी किया गया था। परीक्षा कैलेंडर समय सारणी 2024-25 आपका ये रहेगा। बोर्ड की आगामी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन हेतु कार्यक्रम ये है। तो सबसे पहले देखिएगा परीक्षा का नाम, फिर वो आगे है सीईटी के अंदर है या नॉन सीईटी के अंदर है परीक्षा डेट। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे पहली परीक्षा पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी महिला भर्ती, ये आपकी 2024 नॉन सीईटी यानी सीईटी के अंदर नहीं है दोस्तों। राजस्थान के अंदर भी सीईटी हुआ है तो सीईटी के अंदर नहीं है। इसकी परीक्षा तिथि है 22 जून 2024 शनिवार के दिन। उसके बाद पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा, ये सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर है दोस्तों। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो था वो ये परीक्षा दे पाएगा, जो क्लियर किया है और 10 से 15 गुना जो वहाँ का रूल है राजस्थान का उसके अंदर आएगा। इसकी परीक्षा 13 जुलाई 2024 शनिवार को। अगला है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती, ये भी सीईटी ग्रेजुएशन में है। 20 जुलाई इसकी परीक्षा 2024 शनिवार के दिन। उसके बाद अगला छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये भी सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर है। 28 जुलाई 2024 को परीक्षा है। उसके बाद अगला छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग सीधी भर्ती, ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी यानी दोस्तों आपका प्लस टू लेवल पे ये है और इसके एग्ज़ाम है 1-2 अगस्त 2024 को, वीरवार और शुक्रवार के दिन। CBT कंप्यूटर बेस्ड और OMR बेस्ड आपके ये एग्ज़ाम होंगे। अगला दोस्तों लिपिक ग्रेड सेकेंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी परीक्षा यानी क्लर्क के पदों पर यह वैकेंसी है, ये भी जो ना CET के अंदर है और सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं के जो लेवल का CET था उसके उस लेवल पर एग्ज़ाम होगा। 11 अगस्त 2024 को इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी। उसके बाद पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती दोस्तों, नॉन सीईटी के अंदर ये रखा गया है। 21, 22, 23, 24 सितंबर को यह परीक्षा शनिवार से मंगलवार तक यानी शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार ये परीक्षा है। तो ये शेड्यूल था दोस्तों, देखिएगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और OMR बेस्ड जो लिख दिया गया पहले ही 13 फरवरी को नोटिस जारी किया गया था। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने यह शेड्यूल डाल दिया आगामी भर्तियों के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।